A very good morning to all of you students and welcome in English grammar class. Students, आज हम singular and plural के concept को continue करते हुए कुछ ऐसे words को हम singular से plural बनाएंगे जो कि irregular हैं, okay? जिनको हम singular से जब हम plural बनाते हैं तो वो irregular way में plural बनते हैं. जैसे कि उनमें हम simply s, es या फिर ies या इस तरह से हम उनमें ऐड नहीं करते हैं उनकी स्पेलिंग में. उनके जो स्पेलिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, वो तो कोई दूसरा ही वर्ड होता है. जैसे कि मैन, ठीक है, मैन में हम मैंस बोले, इसको मैंस नहीं बोलेंगे, इसमें हम एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे. इसको जब हम मैन सिंगल होता है, जब हम इस मैन को प्लूरल बनाएंगे तो इसका मीनिंग होता है मैन, ठीक है, मैन. ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, मैन का मैंस नहीं होगा, मैन का मैन होगा, मैन, ओके. तो प्रोनंसिएशन पे आपने ध्यान देना है. एंड सेकंड वर्ड इज हेयर वुमैन. वुमैन होती है औरत, लेकिन जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम इसे यहाँ पर रीड करते हैं विमेन, विमेन, ओके. और स्पेलिंग देखिए डब्ल्यू ओ एम ई एन, ओके. सो लेकिन हम इसे रीड करेंगे विमेन, वीमैन, वुमेन, वीमैन, ओके. नेक्स्ट इज चाइल्ड. जो सिंगल बच्चा होगा, एक बच्चा होगा तो उसको हम चाइल्ड बोलते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं तो उनको हम चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन. उसी तरह से गूज, गूज सिंगल गूज को हम गूज बोलेंगे, लेकिन मैनी को गीज. जस्ट लाइक फुट, एक पैर को हम फुट बोलेंगे, लेकिन दोनों पैर को दो या दो से ज़्यादा जितने भी होंगे मैनी को हम फीट बोलेंगे, ओके. इसी तरह से टूथ, आपके एक दांत को हम टूथ बोलते हैं, लेकिन सभी इकट्ठे होंगे तो उनको हम बोलेंगे टीथ, ओके. इस तरह से ऑक्स, ऑक्स का बन जाएगा ऑक्सिन, ठीक है. नेक्स्ट इज माउस, माउस का बन जाएगा माइस, ओके. सो इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सिंगुलर वर्ड्स हैं, इनको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इनको डिफरेंट वे में बनाते हैं. इनको आपको याद ही करना होता है कि इनका ऐसा ही होता है. जैसे फुट का फीट ही होगा हमेशा, फुट का फुट्स नहीं होगा, टूथ का टूथ्स नहीं होता, और चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है. वुमेन का वुमेन्स नहीं होता, वुमेन का विमेन होता है, विमेन. मैन का मैंस नहीं होगा, मैन का मैंस होगा, ओके. सो आपको इनको अच्छे से लर्न करना है. नेक्स्ट आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, ओके, यू हैव टू डू इट. लुक एट द पिक्चर एंड राइट द सिंगुलर एंड प्लूरल नेम इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, आपको पिक्चर देखनी है, इनमें से कौन सा वर्ड सिंगुलर है उसको आप सिंगुलर नंबर के नीचे राइट करना है, और कौन इसमें प्लूरल है उन प्लूरल नेम को आपने प्लूरल नंबर के नीचे राइट करना है. जस्ट लाइक हेयर, जैसे कि यहाँ पर एक बॉल है, ये सिंगल है, तो मैंने इसको सिंगुलर नंबर के नीचे राइट किया, ओके. अब जैसे कि यहाँ पर स्पैरोज हैं, टू स्पैरोज हैं, तो आपने उसको प्लूरल नंबर के नीचे राइट करना है. इसी तरह से बहुत से यहाँ पर सिंगुलर नंबर हैं और बहुत से यहाँ पर प्लूरल नंबर है, तो सिंगुलर नंबर वाले नेम को आपने सिंगुलर नंबर के नीचे राइट करना है और प्लूरल नेम को आपने प्लूरल के नीचे राइट करना है. जैसे कि यहाँ पर फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, ट्रीज हैं, गर्ल्स, बॉयज, ये सारे प्लूरल नंबर के नीचे आएंगे, लेकिन कैट, डॉग, मंकी, बनाना, ये सारे किस में आएंगे, आपके सिंगुलर नंबर में आएंगे, ओके. जैसे कि बेंच, यहाँ पर बेंचेस नहीं है, ओनली वन बेंच है, तो बेंच आपका सिंगुलर नंबर के नीचे आएगा, ठीक है. तो इस तरह से आपने सेपरेट करना है, सिंगुलर नंबर के वाले नेम को अलग से राइट करना है और प्लूरल नेम्स को आपने अलग से राइट करना है. सो आपने पिक्चर को अच्छे से देखना है और सिंगुलर और प्लूरल नंबर के नेम को आपने अलग अलग से सेपरेटली राइट करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.